नमस्कार, मैं सुरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पिछले दिनों पुलिस की नाकाबंदी और सड़कों पर घूम रहे लोगों पर, या यूं कहें बिना मास्क लगाए लोगों की पुलिस इस तरह से पिटाई की, जिसका वीडियो तरह तरह के सोशल मीडिया पर घूमने लगी। यहां तक लोगों के मन में पुलिस और जनता के बीच सवाल खड़े होने लगे। अभी पिछले दिनों वीडियो में SRPF के कुछ जवान सड़क पर खड़े थे और इस बीच एक शख्स आया और उसके ऊपर लाठी डंडों से पीटने लगे। लगभग दो दिन मामला चला, फिर जाकर शांत हुआ। ऐसा ही मामला रसीद कंपाउंड में हुआ। दवा लेने जा रहे एक युवक को पुलिस ने डंडे से सर पर मार दिया और युवक घायल हो गया। उसके बाद भी तमाम तरह की बातें सामने आई। ऐसा नहीं है पुलिस हर जगह गलती कर रही है, पुलिस कुछ हद तक अच्छा भी कर रही है, लेकिन जो अच्छा काम करती है उसकी प्रशंसा करने में हम काफ़ी पीछे होते हैं। आज पूरा देश लॉकडाउन में है, यही पुलिस जब आपको पहले प्यार से समझाती है। आपने कई ऐसी मिसाल भी देखा होगा, कई सारी वीडियो आप तक आई होगी, लेकिन इस तालाबंदी लॉकडाउन का अगर आप मतलब जानते तो शायद आप घरों से बाहर बिना मतलब के नहीं निकलते। वो कहावत कहीं ना कहीं सही है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं। तो इस लॉकडाउन के बीच बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर पुलिस लाठियां बरसाई है और कहीं पर पुलिस जाति भी की है, जिसकी हम आलोचना करते हैं, लेकिन आप गेहूं के साथ घुन मत बनिए। आप सरकार के रूल को समझिए, इस कानून का पालन कीजिए। रमजान के इस पावन महीने की आप सबको मेरी तरफ से, हमारे पुलिस दल की तरफ से शुभकामनाएं। मेडिसिन वगैरह कुछ रहेंगे तो वो जो टाइमिंग जो दिए गए हैं उसी में जाके आप ले लें। अभी फिलहाल मुमरा में स्थानीय पुलिस के साथ अपना SRP के जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके प्लेटून्स भी हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, मगर एक बात आप भी थोड़ा जान लीजिए कि पुलिस की वर्दी में एक जो आम आदमी है वो यहाँ पे अपनी जनता के लिए आपके साथ खड़ा है, ताकि ये जो कोरोना का वायरस है उसके ऊपर हम सब मिल के उसको हरा के जीत हासिल कर सकें। जो कुछ जगह ऐसे भी देखा जाता है कि लोग जो है वो बिना कारण के इधर उधर टहलते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाना भी पुलिस का काम है। उसी के साथ अगर जो कागजात के साथ बाहर है तो वो कागजात चेक पुलिस करें, और उसी के साथ हम लोग जहाँ पे ये ज़रूरी है कि वो मेडिसिन के लिए ऐसे कुछ बाहर निकले हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग उनको वो इंतज़ार दिए जाते हैं। लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, मैंने अपने कर्मचारियों को भी कहा कि जो कागजात है वो देख के उचित जो कार्रवाई है, अगर वो जाली यानी अगर वो सही कागजात है तो उसके ऊपर अमल बजावनी होके उनको जो कागजात में जो तफ्तीश यानी जो एग्जम्पशन दी गई है वो कृपया उनको दी जाए। अभी अवेयरनेस दोनों तरफ से की जा रही है, अवेयरनेस दोनों तरफ से है, इसलिए जो लोग जेन्युइन रीजन से जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ बाहर है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। उसी के साथ अपने सोसाइटी जो भी अपने समाज के लोग हैं उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो आवारागर्दी करते हुए बाहर गए हैं लड़के, ऐसे लोगों पे समाज को अपने को कहीं ना कहीं तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अपने हर एक के अंदर एक पुलिस वाला है। यस, वो पुलिस वाला जो है वो अपने कुटुंब को अपने सोसाइटी को अच्छी तरह कंट्रोल में ले आ सकता है। पुलिस तो है ही वहाँ पे, पुलिस तो आपकी सहायता और मदद के लिए है ही, और उसी के साथ मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हर एक में एक पुलिस वाला है जो अपने समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है, और मैं उनसे आह्वान भी करूँगा कि आप अपने समाज के लिए ऐसे वक्त में ज़रूर आगे आके अपने समाज के हित में काम करें। मुंब्रा में पिछले दिनों जिस तरह से SRPF की टीम तैनात है और वो कई ऐसे लोगों पर लाठियां चलाई है जो हॉस्पिटल के लिए या फिर रिलीफ के लिए काम से बाहर निकले थे, कहीं पर सही तो कहीं पर गलत भी जो है लाठियां चलाई गई उन पर, जिसको लेकर SRPF के कमांडेंट DCP सचिन पाटिल मुंब्रा में दौरा किया है। लोगों को बताया, हमने अपनी टीम को समझाया है, समझा दिया है, ऑर्डर दिया है, रमजान के महीने में आप नरमी से पेश आए। जनता से भी अनुरोध किया है आप नियम को फॉलो करें, और आई कार्ड लेकर घूमने वालों की जांच करेगी पुलिस, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। जो कोई भी जो है रास्ते पर सड़कों पर टहल रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन उसके पास अगर आई कार्ड है
तो उसकी जांच होगी, फिर उसे छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो मामले सामने आए लाठी डंडों की, जो लोगों पर बरसाए गए हैं, तो कोई रिलीफ के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए जो जा रहे थे, उन पर जो है अब लाठियां नहीं बरसाई जाएगी। पुलिस को आदेश दिया गया है इस रमज़ान के महीने में जो है वो नरमी से पेश आए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।